नमस्कार दोस्तों, आइए अपनी नक्षत्र ज्ञान श्रृंखला को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो स्वाति नक्षत्र तब होता है जब चंद्रमा तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के तुला राशि में ही 20 डिग्री के बीच का होता है। तो तीन पैरामीटर्स जिसपे हम अब तक इस सीरीज को चलाते आए हैं, उसमें से पहला है कि इसका स्वामी देवता कौन है। तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी देवता है वो है वायु, एयर, और इसका जो शेप आसमान में बनता है वो एक अंडाकार मूंगे के आकार का बनता है। और स्वाति का जो शाब्दिक लिटरल मीनिंग हिंदी में है वो है सुवाति। वात कहते हैं वायु, हवा को, और सु कहते हैं अच्छी तरह। तो ऐसी हवा जो बहुत ही प्लीजिंग वे में मन को सुकून देते हुए बह रही है अपनी ही शक्ति से। तो हम बात कर तो हम शुरू करते हैं इसके लिटरल मीनिंग यानी कि स्वाति के अर्थ से कि क्या इसके गुणधर्म होंगे। स्वाति क्योंकि स्वयं अपनी शक्ति से बहने वाली हवा है, इसलिए इन लोगों के जो विचार होते हैं, इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ये लकीर के फकीर नहीं होते, किसी भी चीज को अपोज करने की ताकत इनमें पाई जाती है और ये कुछ अलग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, घर में मान लिया किसी के दो या तीन भाई बहन है और माँ बाप चाहते हैं कि ये सब इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो इनका मन लेकिन अलग होगा। ये चाहेंगे हम भैया पोएट बन जाए, हम कोई कवि बन जाए, हम तो मूवी में काम करना चाहते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो इनकी जो सोच विचारधारा होती है वो थोड़ा सा लीक से हटकर होती है। और अगर स्वाति नक्षत्र सुप्रभाव में है तो ये लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। अब क्योंकि हवा है, हवा के दो फेजेस होते हैं। एक तो वो है जब वो बहुत ही धीमे धीमे मंद मंद रूप से बह रही हो तो हमें मन को सुकून भी देती है, और कभी कभी जो है वही आंधी का रूप ले लेती है, काफी विध्वंसक हो जाती है। तो ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं वो कभी स्थिर नहीं रहते, वो अदलते बदलते रहते हैं। कभी तो ये लोग आपको बहुत पोलाइट वे में बात करते हुए दिखाई देंगे, कभी ये लोग आपको बहुत सुलझे हुए दिखाई देंगे, लेकिन कभी कभी इनका जो पारा होता है, इनका जो टेम्पर होता है वो आप देखेंगे बिल्कुल ही लूज हो गया। तब आपको आश्चर्य होता है, ये ऐसे कैसे हो गया। वो इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो स्वामी देवता है इस नक्षत्र स्वाति का, वो है वायु। तो वायु के गुण इसमें पूरी रूप से झलकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि वायु है, वायु बंद के नहीं रह सकती है ना। तो जैसे गाना भी था थ्री इडियट्स मूवी में, बहती हवा सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो। तो वायु का एक गुण ये भी है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है और वो एक जगह बंद के नहीं रह सकती। तो ऐसे लोगों में टीम स्पिरिट की कमी होती है, अकेले ना ये लोग पसंद करते हैं। और कोई भी ऐसा काम जिसमें अकेले के दम पे आगे बढ़ा जा सकता हो, यानी कोई इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें ये लोग अच्छा करते हैं। तो ये स्वाति नक्षत्र का एक विशेष गुण या अवगुण आप कुछ भी कह सकते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि इसका स्वभाव अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो यारी दोस्ती में भी जब तक लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जब तक इनको लगे कि हाँ यहां रहना फायदेमंद है, इनके काम निकलते रहे, तब तक तो ये उस मित्र मंडली में बने रहते हैं किसी भी तरह से। शायद बैक सीट पे रहे भले ही, लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि अरे भाई यहाँ तो सुनवाई खत्म हो गई, यहाँ तो लोग मतलब कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, और लोग मतलब मेरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरे से काम लेना चाह रहे हैं, मेरे से अपने किए का बदला मांग रहे हैं, तो ये लोग वहां से चुपचाप खिसक लेते हैं। तो ये एक इनमें कमी पाई जाती है। तो इनको सलाह यही होती है कि भाई कोई ऐसा काम करो जिसमें थोड़ा सा इंडिविजुअल आप अपने टैलेंट्स को यूज करें, जैसे राइटिंग है, सिंगिंग है, कोई पोएट्री आप करते हैं, ज्योतिष भी इवन हो सकता है, उसमें टीम वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, वो इनका अपना गुण होता है। तो इसलिए जैसे अब कुछ जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या टीम वर्क की बहुत जरूरत पड़ती है। कंपनी के आप मैनेजर हैं, कंपनी में आप एचओडी हैं, तो आपको टीम को साथ लेकर चलना है। तो वहां पे स्वाति नक्षत्र थोड़ा सा कम असरकारी होता है, और अगर कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं तो वो उसको ओवरकम कर लेता है और उसमें भी अच्छा करता है। अच्छा, तो क्योंकि अब वायु है, वायु मतलब अब इसका असर आपके बॉडी पे कैसे आएगा, आपको पेट में गैस ज्यादा बनी, गैस्ट्रिक की ट्रबल्स आपको हो सकती हैं, प्यास आपको ज्यादा लगेगी, त्वचा सूखी रहेगी, स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, होंठ आपके अक्सर ज्यादा फटेंगे बाकी लोगों के अपेक्षा, सांस ज्यादा फूलेगी। तो इस प्रकार के कुछ बॉडीली सिम्टम्स स्वाति नक्षत्र वालों में इजिली पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो प्रोफेशंस होते हैं वो हवा से संबंधित होते हैं, जैसे किसी न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी में काम करते हो, विंड मिल्स में काम करते हो, या जहां हवा से जहां पनडुब बिजली बनती हो वहां पे काम ये कर सकते हैं।
स्वाति नक्षत्र पीढ़ी, तो टायर में हवा भरने का काम भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, टायरों की कंपनी में, ट्यूब्स की कंपनी में, जहां पे हवा से संबंध पाया जाता है वहां पे काम कर सकते हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करना हो गया, गैस सिलेंडर्स की कंपनी, एलपीजी जहां पे दी जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो सिलेंडर्स आते हैं उस कंपनी में लोग अच्छा काम कर सकते हैं, पैराशूट बना सकते हैं, और यहां तक कि इवन पेट्रोल पंप पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही वोलेटाइल वाष्पशील होता है तो वो जल्दी उड़ जाता है हवा में, तो उसका भी संबंध हवा से है, तो ऐसे लोग परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में या पेट्रोल पंप या पेट्रोल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज या पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थों से संबंधित काम भी करते हुए पाए जाते हैं। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आज आपको स्वाति नक्षत्र के बारे में बताई। तो जब तक मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आता हूं, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए, और प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिलता रहे और इसी प्रकार से हम अपना जो हमने अब तक सीखा है मैंने वो मैं आपसे साझा करता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।